तो हम ऐसा माहौल देते ही हैं कि यहाँ का बच्चा मतलब कॉन्फिडेंट होता है और जहाँ भी जाता है वो अच्छा ही करता है। अब मैं दूसरों को क्या बताऊँ, आप खुद इसके एग्जाम्पल हो, यहाँ पे खड़े हो, बात कर रहे हो, तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी क्या बात होगी कि आपका स्टूडेंट जिसको आपने बोलना सिखाया वो आपके सामने माइक लेके खड़ा हो, इससे बड़ा प्राउड मोमेंट क्या होता है किसी टीचर के लिए। तो इंटरनेट पे लड़की पटाई, इंटरनेट पे हो गई सगाई, इंटरनेट पे हो गया डिवोर्स, इस बहाने हो गया कंप्यूटर का कोर्स। Going day by day and wish you all the best. You've got 20,000 subscribers on YouTube. And one of his videos just got a million views. 1.5 million. So congratulations for that. He is an old student of IEL. He has studied here 2 years, right? And the day he came and just I felt him like watching him at the same time. Okay, you want to ask any question to Srishti, you can ask. Yeah. For your video like this. ऊंचाई शिक्षा से लेकर ऊंचाई किसी भी चीज से लेकर एक ऐसा सोचा है सबको पढ़ाना चाहते हैं, सबको दुनिया में सक्सेस कर दिखाना चाहते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको मैं सिखाना चाहते कि सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, डिसिप्लिन हर चीज। जब हम देखो इंडिया को बढ़ने में कोई मतलब Yes, he knows some other languages like what? French and कुछ अदर लैंग्वेज भी सीख रहे हो ना तुम? कोरिया एक आध लाइन कुछ कोरिया में अगर बोलना हो तो सर जब ग्रीट करते थे उसको अनुकेशियो बोलते हैं और थैंक यू को गांशु मिता क्या क्या थैंक यू को गांशु मिता गांशु मिता अच्छे से कहा है ओके और मैं पे करूंगा कि आप आपका जो सपना है आपका जो साकार हो और आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे के बारे में क्या कहना चाहते हो बताओ सर आईएल के वजह से कॉलेज मिला इतना बोल सकता है सब इंग्लिश इतना अच्छा बाहर के वजह से थैंक यू ओके थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर लेट्स हियर इट फॉर यू आर द ओनली वन यू आर नॉट द ओनली वन यू विल बी द On behalf of something, जब आप किसी चीज के लिए बोलते हैं चाहे वो एक छोटा ही सब My name is Atul Kumar Soni, I'm hailing from Haryapur. That's all my introduction. Today I want to give my best. And today I'm all give a sir gave me a best chance to you give a best performance to everyone. Then you will be a Mr. Ayal. Then I will try to be a Mr. Ayal. Okay, hopefully. Okay, let's get started from Raj Soni. That what is friendship as for you? As being a friend, you know that the existence of friendship in our life. Yes, everyone. Whether there is friend, there is something. I will say firstly that who is friend? Friend are that person who help from every situation, every hit and harsh situation. He pull out from every hit and harsh situation. He are just like shadow of ours. They come from, they are following every time and in any time and every situation.
they are just like sad for us, and they makes us whenever we are feeling sad, whenever we are feeling anxiety, like in depression, friends will always pull out from that situation. I think this is friendship, and this is real friendship. And friendship do not means they are going to move on, they are going to bike ride, and they are enjoying. They are not motivating each each other, and also they are telling about negative thing. It's not friendship. It's not friendship. It's just like enemy. That's all. दोस्त मेरे लिए बहुत important है मेरे life में. जैसे मेरे जिंदगी है उसके हिसाब से. तो मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि दोस्तों को अपनी ताकत और दोस्ती को अपनी दुनिया मानता हूँ मैं. क्योंकि मैं आज जो भी हूँ ना, अपने दोस्तों की वजह से हूँ. एक समय था जहाँ मेरे पास कुछ नहीं था, वहीं पे मेरे दोस्त, सारे दोस्त, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि मेरे किसी दोस्त ने मुझे सपोर्ट नहीं किया. मेरे सारे दोस्त ने, थोड़ा हो, ज़्यादा हो, जितना हो, सारे लोगों ने सपोर्ट किया है. तो इसीलिए दोस्त होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है. और ओवरऑल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, खतरी वाले नहीं, या अच्छे दोस्त होना चाहिए. तो ओवरऑल आपने दोस्ती पे बहुत अच्छा बोला. मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि 2021 अब जाने वाला है, आज लास्ट दिन है, क्या कहना चाहेंगे 2021 के बारे में? इंग्लिश से हिंदी, हिंदी में बताइए. हिंदी में आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2021 बीत गया, तो उसके लिए हम ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है. इट इज़ पास्ट एंड यू हैव टू बी ए फास्ट, अदर विल बी इट, यू विल बी द लास्ट. डेट्स ऑल. ये दोस्तों, ये IAL, ये मेरे लिए एक शब्द नहीं है, और इसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ. क्योंकि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और अपने चैनल पे आज मैं बातें कर रहा हूँ, सारा क्रेडिट IAL को जाता है, सारा क्रेडिट. और ये एक ऐसा जगह है जहाँ से लीडर पैदा होते हैं, यहाँ बनाया जाता है. एक ऐसा लीडर आपको बना दिया जाएगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे. और ये सब के पीछे जो इंसान काम कर रहे हैं, उनके बारे में मैं कुछ भी बोलूँ, कोई भी शब्द बोलूँ, उस शब्द छोटा है. उस शब्द का कोई, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कोई शब्द निकाल पाऊँ. और उन्हें मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द से बोलता हूँ, द बेस्ट गुरु ऑफ द वर्ल्ड. मैं एक ही शब्द से बोलता हूँ, बेस्ट गुरु ऑफ द वर्ल्ड. आप क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के बारे में और आफ्ताब सर के बारे में? अब क्या बताऊँ इस संस्था के बारे में. जैसे कि दरअसल मुझे, मेरा भाई पढ़ता था इससे IAL में, राहुल सोनी नाम था. मतलब वो मेरा इंग्लिश स्पोकन काफ़ी अच्छा था, लेकिन मुझे हेजिटेशन होता था कि मतलब दुनिया के सामने कैसे बोलूँगा, कैसे रिप्रेजेंट करूँगा खुद को. कॉन्फिडेंस तो काफ़ी था, लेकिन लोगों के सामने जाने से हेजिटेशन हो जाता. जैसे कि अभी आपने देखा, मैं काफ़ी अच्छा स्पीकर हूँ, लेकिन मैं छट गया. लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं यहाँ नहीं करूँगा, कहीं और करूँगा, लेकिन मैं खुद को रिप्रेजेंट हर जगह कर दूँगा. For completing our target, what's your goals? Like IPS officer, IAS doctor, and everything. Education is everything you want to make. You want to make success and your lifestyle. You know, education, you have not a dressing sense or mindset, but education give you how to do dressing sense. Education give you how to mindset. You change your mindset. And education is a weapon that can change the world. Your mindset, personality, body language, and everything. So education is very important. Thank you. Who are you? I mean, why you're so speaking so politely? I think you are not. Please come na. Okay. But I am your darling, right? Yeah, I know. So I have an opinion, okay. And I will share with you. Okay. Okay. You know what? You always tell me, you do it. And every day I'm pretending, right? Yeah. So today, whatever you want to give me, I will do it. Because I'm your dear. Okay. Good, right? Okay. So give me whatever you want, okay? Whatever I want to do? Whatever you want to give me, I will do it. Fulfill. Actually, I think that you are just loving me. You are just showing love on me because you need something. There is something facing you. That's why you are showing me too much love. So tell me what's the reason. I am your mother and I know better than you. So tell me what's the reason. Mommy! Why are you saying mommy? What's the reason? Tell me that way. Why? I will tell you. You know what? Today, we are, and my friend, we all have decided that we will go.
That's why you are after a long time saying mama, 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 this and that. Okay. Yes. Okay. So tell me, why you want to go? Because I wanna see Golden Temple. I wanna purchase attire. I wanna take a lot information from there. But you know what? Before that, I never give you to this kind of opportunity to go there outside. So I will not give you this kind of opportunity in first time. If you want to wander, to celebrating the first New Year, then I will come with you. And I will not give this kind of opportunity right now, because you know there are lots of boys and girls also, they are misusing their, you know whatever, just we keep to dependent, sorry, they are misusing their freedom also. So I don't think I will give this kind of opportunity. If you want to get, if you want to go wonder that all things, then I will come with you. Firstly, I will know that what is, I will not saying that I will not give you chance to recognize what is this and what is that, but I will come with you first time. Okay, I have an idea. You can come with me, okay, but I will go there. Anyhow. Okay, no problem, I will come with you, no problem. Okay. Because I will know that what is right and what is wrong. This is the responsible. But. Okay, what you, but. Whatever I will tell you, you will have to tell me. Okay, but which is not good to you, that I will always. Nice, thank you so much for watching. आपका जो वे ऑफ एक्टिंग था वो बहुत शानदार था और बहुत जबरदस्त था. कोई बात नहीं, विनर और कभी कभी जिंदगी होते रहता है. यहाँ नहीं तो कहीं और नहीं तो कहीं और सफल करने की कोशिश. क्या करना चाहते हैं? अगर कोई मुझे ना चुने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ थोड़ा सा दर्द होता है कि किसी ने मुझे ना चुना. बट इट विल बी ओके. No one who can live with me in future. Yeah. And if you choose her, I really appreciate your decision. And make sure in future everyone give one best. And I give all my, I always give my best, I understand. But I don't know why did I give not my best. It's all right. And I will try my best in my future. Yeah. Well, मेरा 2022 से यही मतलब एक्सपेक्टेशन है. मुझे अपने एम्बिशन को अचीव करना है. आई डोंट नो हाउ इट विल बी हैपन इन माय लाइफ और नॉट, बट मेरी लाइफ का पर्पस है कि मुझे 2022 को एकदम शानदार बनाना है. बिकॉज राइट नाउ आई एम लाइक अ स्टूडेंट, बट आई वांट टू नॉट लाइक अ स्टूडेंट इन 2022. बिकॉज 2022 मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है. मुझे अपनी लाइफ को एक बेटर एंड ट्रिमेंडस प्लेस पे लेके जाना है, जहाँ से मुझे एक अच्छा एक्वेंटेंस मिल सके. सो आई डोंट नो व्हाट व्हेन इट विल बी कम्स टू और नॉट, बट एक्चुअली स्टूडेंट जो भी होता है वो अपने लिए होता है, अपने पेरेंट्स के लिए होता है, अपनी सोसाइटी के लिए होता है. हम स्टूडेंट तब बनते हैं जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, और हमारा स्टूडेंट लाइफ तब तक चलता है जब तक हम कुछ बन ना जाए. तो हमारा अभी स्टूडेंट लाइफ चल रहा है, एंड यू नो जब हमारे पास ये लाइफ है तो हमें सोचना है कि हमें कैसे अपने आज को बेटर करें, कि टुमारो जो आए वो मच देन बेटर हो, और हम अपने लाइफ को एकदम साइन करें लाइक अ मून, लाइक अ सन, लाइक अ स्टार. एंड वन डे एवरीवन सर्चेस ऑन द गूगल लाइक अ स्टार. ओके, सो नाउ वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस बिकॉज़ यू आर द विनर ऑफ द डे. एक सर आइए. मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं कैसे आईएएल को कैसे तारीफ करूँ. आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड टू प्रेज आईएएल, बिकॉज वट एवर टूडे आई एम वट एवर आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल बिकॉज ऑफ आईएएल. देयर आर नथिंग एनी अदर रीजन बिहाइंड मी. यू नो वट
before that I was feeling that I cannot do anything. ये बहुत जो मेरे अंदर है, एक जो चीज है जो बहुत मैं इमोशनल, लोगों को देख के इमोशनल हो जाती हूँ, वो चीज़ें मैटर नहीं करती है मेरे लिए कि सामने वाला मुझे सपोर्ट कर रहा है या कैसे ट्रीट कर रहा है. अगर उसे ज़रूरत है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर दैट. जस्ट लाइक आई वॉन्ट शेयर माई वन एक्सपीरियंस. एक टाइम मेरे गाँव में बाढ़ आया था और मैंने उस समय 1500 लगभग लोगों की हेल्प की है. एज अ गर्ल मैंने एक गर्ल का ग्रुप बनाया. तो दैट थिंग कि मैं आगे भी ये करना चाहती हूँ, बट इसके लिए क्या ज़रूरत है, हमारे पास मनी होना चाहिए, पैसा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, पावर सेकेंड थिंग. और ये मुझे तब मिलेगा जब मैं अपने पैरों पे एबल हो पाऊँगी, खड़ी हो पाऊँगी. तो ये चीज़ें शायद मुझे अलग बनाती है. इवन बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली मेम्बर भी ये बोलती है कि इतना लोगों के बारे में सोचना बंद करो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे. लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर एक हाथ से करती हूँ ना, तो दूसरे हाथ से कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगी. तो आई डू बिलीव. मैं बहुत रूरल एरिया से आई हूँ और मेरा जो 12th है पूरा बिहार बोर्ड 1 से लेकर 12th तक मैंने ऐसा कोई CBSE बोर्ड से पढ़ा नहीं है. मैं अभी BCA कर रही हूँ. मैं इंडिपेंडेंट हूँ, घर से मेरा कोई इकोनॉमिकली मैं हेल्प नहीं लेती हूँ. मैं अपने भाई को भी BBA करा रही हूँ और यहाँ से मैं BCA सिलिकॉन अकेडमी से कर रही हूँ. आगे भी बहुत कुछ करना है, जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन साथ में एक चीज़ करना है जो मेरा सोशल वर्क का एक जो ड्रीम है वो भी मुझे आगे लेके जाना है. आप हार जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अपने आप को हारे हुए क्यों समझते हैं, सबसे बड़ा चीज़. आप अपने आप को कभी हारे हुए मत समझिए. और बहुत अच्छा लगा. He is a live example of that. Yeah, exactly. He was a live example of that. जाते जाते किसके जाते जाते अपने गुरु अफ्ताब सर के लिए कुछ क्या करना चाहते. देखिए मेरे लाइफ में अफ्ताब सर एक उगते सूरज की तरह है जिन्होंने कि मेरे लाइफ को एक रोशन दुनिया दी है. और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि ये मतलब एक स्ट्रेट टीचर है या फिर कुछ है. जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ एक पोएम के द्वारा. जैसे एक स्टूडेंट और टीचर, इनकी लाइफ एक हॉर्स रेस की तरह होती है. जैसे कि एक हॉर्स वो स्टूडेंट होता है और जो उसके ऊपर जो राइडर बैठा होता है ना वो एक टीचर होता है. वो आपको तब तक मारेगा तब जब तक आप रेस जीत ना जाओ, वो विन ना कर जाओ. बिकॉज ये आपको उसलिए मारते हैं, इसलिए स्ट्रेट व्यवहार करते हैं ताकि आप वो रेस जीतो, इसलिए नहीं कि आप वो हारो. इसलिए टीचर सो दोस्तों आज हैं हमारे साथ IEL के दो बेस्ट इंग्लिश स्पीकर. जैसे कि आप अभी कुछ देर पहले आप वीडियो में देखे होंगे, बहुत सारा कंटेस्ट हुआ यहाँ पे और बहुत सारा रोल प्ले एक्टिंग भी हुआ, स्पीचेस भी हुआ. उसमें से चूज करके हम लोग अभी हमारे साथ दो बेस्ट इंग्लिश स्पीकर ऑफ IEL के हैं यहाँ पे, हमारे सुहैल और मेघना. वेरी बिग कंग्रेचुलेशन के आप लोग का जो डिज़ायर था और कॉन्फिडेंस था उसके वजह से अभी आपको ये अचीवमेंट प्राप्त हुआ है. वेरी बिग कंग्रेचुलेशन. थैंक यू. थैंक यू. तो मिस्टर सुहेल, सबसे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपका एम्बिशन क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में? IIT इंजीनियर. क्यों? अब मैं अपना डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, अपने देश को हिस्सेदारी देना चाहता हूँ जो मैं अपने आप मतलब मैं दे सकता हूँ, इसलिए मैं IIT इंजीनियर बनना चाहता हूँ. अच्छा, तो IIT में किस टाइप का आप इंजीनियर बनना चाहते हैं? IIT क्रिक कीजिएगा, कौन सा इंजीनियर बनिएगा? सिविल में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सॉफ्टवेयर. एक बात बताइए, आप कहाँ रहते हैं वैसे? गाँव में. गाँव में
दोस्तों गांव में रहकर और इस तरह का सोच रखना ना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं भी गांव में रहता हूं और जब मेरा एक सफ़र जब शुरुआत होने वाला था उस वक्त मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था, कोई मुझे ये तक बताने वाला नहीं था कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कुछ होता है, सिविल इंजीनियर भी कुछ होता है। लेकिन आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, इसी जगह से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी और आज मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी हो गई है कि मैं आज यहाँ पे खड़ा होकर आप सबके लिए वीडियो कर रहा हूँ। आज उसी संस्था में खड़ा होकर उसी संस्था के बच्चों के साथ मैं कॉन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ, सर के साथ मैं बातें कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और ये सारा चीज़ का क्रेडिट आफ्ताब सर को जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया है, उन्होंने ही मुझे बनाया। मैं उनको भगवान का दर्जा दिया हूँ अपनी ज़िंदगी में कि वो है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ। इतना सारा चीज़ उन्होंने मेरे लिए किया है। तो एक मैं जानना चाहूँगा कि आप 2021 के जाते जाते आफ्ताब सर के लिए, आईएल के लिए क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सबसे पहले, और बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं कि सर ने मुझे इंग्लिश सिखाया। मैं अगले साल चला जाऊँगा बाहर, ये मेरा लास्ट साल है आईएल के साथ, लेकिन जो मैं यादें लेकर जाऊँगा आईएल के साथ, सर के साथ जो उन्होंने इंग्लिश सिखाया वो एक यादें बनकर रहेगी। और मैं हमेशा मिलना जुलना रहेगा, लेकिन सर के साथ जो यादें बना, जो इंग्लिश सीखे मैं, फर्स्ट वो आईएल का फर्स्ट डे टू लास्ट डे सब कुछ याद रहेगा। एक आपने बोला कि आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, सोशल मीडिया के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कैसे यूज करते हो ये मैटर करता है। आप अच्छे तरीके से यूज करते हो तो आप स्टार हो, उस चीज़ में आपको कहीं और उपलब्धि मिलेगी, आप सेलिब्रिटी बनोगे। लेकिन आप उसको गलत तरीके से यूज करते हो तो आपको जीरो बना देगा, वो आपका लाइफ बदतर कर देगा। दोस्तों बहुत बड़ी बात है इन्होंने जो बात बोला सोशल मीडिया के बारे में। आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप उसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आप विनर बने हैं। तो मेघना, आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है? सबसे पहले मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब मैं मिस आईआईएल बनी हूँ, क्योंकि मेरा मानना था कि मैं कभी भी किसी चीज़ से एक्सपेक्ट नहीं करती थी, और मतलब लेकिन अब लग रहा है कि अगर एक्सपेक्टेशन दूसरों से हो तो हमेशा हर्ट करता है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन खुद से हो तो आपको हमेशा विनर बनाता है, जैसे कि आज मेरे साथ हुआ। अच्छा, आप उन सारे दोस्तों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ पार्टिसिपेट किए थे लेकिन वो विनर नहीं बन पाए? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि मेरा भी ये मानना है कि कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ हारे हैं या कुछ जीते हैं, बस ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहिए कि हम हर पल कुछ सीख रहे हैं। अगर मैं भी नहीं जीत पाती तो मतलब हम भी यही सोचते कि और कुछ नहीं तो हम कुछ सीखे हैं नया। और ऐसा नहीं है कि उन लोग से मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला, यहाँ पे सभी लोग एक से एक बेहतर स्पीकर हैं और उन लोग से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं चाहूँगी कि वो सब मैं सीखूँ और अपने आप में और इम्प्रूवमेंट करूँ। मेघना, आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपको पता है आप यूथ की और गर्ल की आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन सकती हैं, बहुत बड़ी पावर बन सकती हैं, आपको देखकर लोग इंस्पायर हो सकते हैं। एक आजकल हमारे जो देश में चल रहा है ये जो समाज में लड़कियों सबको मतलब छोटे एंगल से, नीचे एंगल से देखा जा रहा है बहुत सारी लड़कियों को, ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बाल बच्चे को तो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बच्ची को घर से नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए। इवन वो दिल्ली जाना चाहती हैं, मुंबई जाना चाहती हैं, पटना जाना चाहती हैं, इवन तो मैंने ये देखा है कि गाँव से गोपालगंज नहीं आने देते हैं लोग पढ़ने के लिए। तो आप क्या कहना चाहती हैं इस टॉपिक पे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सोचते हैं कोई भी पेरेंट्स कि अगर मेरा बेटा ये कर सकता है, तो आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि आपकी बेटी भी वो कर सकती है, क्योंकि उसके में भी उतनी काबिलियत है, बस ज़रूरत होता है तो उसको ज़रा सा सपोर्ट का, और उस पर आपको मतलब पूरा विश्वास रखना चाहिए कि हाँ वो कर सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो माँ बाप सपोर्ट करते हैं लेकिन उस जो वो टाइम देते हैं कि हाँ भाई आप जाओ पढ़ो लिखो जो करना है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जो उसे डिसयूज करती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके वैसे करने से इसका प्रभाव दूसरे लड़कियों पर भी पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि जब मेरी बच्ची मीन्स मेरा भरोसा तोड़ दे रही है, तो कुछ पेरेंट्स मतलब समझते हैं कि उसकी बेटी ने वैसा किया तो मेरी भी बेटी वैसा ही करेगी। तो मैं उन लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि आप ये करना प्लीज़ बंद करिए, क्योंकि आपकी छोटी सी हरकत किसी लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। दोस्तों मैं बताऊं कि मुझे बात करके इन दोनों आदमी से बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज मैं अपने गुरुजी से भी थोड़ा कुछ सवाल जवाब करूंगा, कुछ बातें करूंगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये बताना कि जिन्होंने मुझे बनाया आज मैं उनके साथ खड़ा हूं, और आज सर को कैसा लग रहा है कि आज मेरा स्टूडेंट मुझसे ही सवाल कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। सर दिल से प्रणाम है आपको, क्योंकि
आप हैं तो हम हैं, आपने बनाया है। सबसे पहले मैं इन लोगों के बारे में कुछ आपकी जुबानों से जानना चाहूँगा, कैसा लग रहा है आज आपको? सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये डिज़र्व करते हैं ट्रॉफी, क्योंकि आईएल हर हमेशा कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को मिले, कुछ ना कुछ नया मिले और अलग माहौल मिले, कंपटीशन हो, बच्चे यहाँ से निकले। और यहाँ के स्टूडेंट हर जगह कहीं ना कहीं मतलब हैं, कोई जॉब कर रहा है, चाहे विप्रो में है या टीसीएस में है या फिर एयरफोर्स नेवी या मतलब शिपिंग वगैरह, हर जगह कहीं ना कहीं है बीपीओज वगैरह में। तो हम ऐसा माहौल देते ही हैं कि यहाँ का बच्चा मतलब कॉन्फिडेंट होता है और जहाँ भी जाता है वो अच्छा ही करता है। अब मैं दूसरों को क्या बताऊँ, आप खुद इसके एग्जाम्पल हो, यहाँ पे खड़े हो, बात कर रहे हो, तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी क्या बात हुई कि आपका स्टूडेंट जिसको आपने बोलना सिखाया वो आपके सामने माइक लेके खड़ा हो, इससे बड़ा प्राउड मोमेंट क्या होता है किसी टीचर के लिए। तो आंखें नम हो जाती हैं ये सब देख के, जब अपना बच्चा और अपने से एक माँ बाप और एक टीचर क्या चाहता है, हमारा बच्चा जो है हमसे अच्छा आगे बढ़े, हमने जो किया है उससे भी वो ज़्यादा ऊंचा जाए, आगे बढ़े। तो हमारी यही कामना है कि आप हमसे क्या औरों से भी बहुत आगे बढ़ो और हम दुआ करेंगे ये 2021 जो है जैसे गुजरा है इससे बेहतर और अच्छा हो। बहुत बहुत शुभकामना आपके चैनल को और 2022 के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके RDI टॉक्स के जितने जनता यहाँ पे देख रही है सबको बहुत बहुत शुभकामना और आप ऐसे ही आगे बढ़ें, हम यही चाहते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोग से कहना चाहूँगा कि पता है मेरे लाइफ में बहुत सारी ऑपिन्स डाउन आई हुई है और बहुत ऐसे लोग थे ना वहाँ पे जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया और मैं अपने दिल की हर एक बातें, मेरे लाइफ में जो सारी समस्याएं आई ना, मैं बेहिचक आकर अपने गुरुजी से आफ्ताब सर से मैंने बताया। लेकिन एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे मेरे पास, बहुत ऐसे लोग को भी मैंने बताया लेकिन वो लोग मुझे उसको इस एंगल से बताया ना कि मुझे खुद डीमोटिवेशन हो गया कि मैं क्यों जाकर इनसे ये बातें बताया। लेकिन सर जी ने मुझे हर वक्त, मैं गिरा मैं उठा चाहे कुछ भी हुआ मेरी ज़िंदगी में, लेकिन सर हमेशा मेरे कंधे पे हाथ रखे रहे, हमेशा मुझे आशीर्वाद देते रहे और हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे कि मुन्ना तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। और ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं सिर्फ माज एक स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इनको अपना पिता मानता हूँ, मैं भगवान मानता हूँ, मैं दोस्त मानता हूँ, हर एक चीज़ मानता हूँ इनको। और बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में, हम दोनों के लाइफ में हुई है, मेरे वजह से भी इनके वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। लेकिन सब चीज़ के लिए आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से 2021 जा रहा है, कुछ ही घंटों बाद ये ख़त्म भी होगा और ये वीडियो आप लोग 2022 में देख रहे होंगे। सर से मैं आज एक गुजारिश करूंगा और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि सर आज हमको लग रहा है कि 7 साल हो गए हैं, 6 से 7 साल हो गए हम लोग का रिलेशन का, उस बीच में अगर मुझसे कोई भी गलतियाँ हुई हो ना, बड़ा हो छोटा हो कुछ भी गलती हुई हो ना, तो मुझे बिल्कुल आप माफ कीजिएगा। That's what brings you at the top and you will be that one। और एक आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि बस आप इतना मुन्ना पे ट्रस्ट कीजिएगा कि मुन्ना कभी गलत नहीं हो सकता है। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है और ये आपसे मेरा वादा है कि आपका मुन्ना कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिसके वजह से आपका सर झुके, मेरे पिताजी का सर झुके। आपका मुन्ना ऐसा काम करेगा आने वाले 1 से 2 साल 3 साल 5 साल के अंदर कि आप जब रोड पे चलें तो लोग ये बोलेंगे कि इन्हीं का स्टूडेंट है मुन्ना और आज देखो कहाँ है। और सारा चीज़ का क्रेडिट पूरी ज़िंदगी जब तक ये मुन्ना जिएगा, सारा चीज़ का क्रेडिट फर्स्ट टाइम आपको ही जाएगा। अच्छा शुक्रिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये लोग बहुत आगे जाओ, ऐसे ये लोग गांव के हैं, शहर में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसे आपके भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि इंग्लिश और इसके बारे में, हमारी व्यक्तित्व के बारे में। बट फाइनली वी हैव विनर्स ऑफ 2021। बेस्ट स्पीकर मिस आईएल एंड मिस्टर आईएल,
So Meghna and Sohel, many many congratulations both of you. Yeah, from my side also very big congratulations. RDI Talks को support करें, subscribe करें और इसको हर जगह फैला दो यार, एकदम इतना कि जैसे बरसात होता है ना, एकदम हर जगह पानी पानी दिखता है, वैसे RDI Talks हर घर में दिखना चाहिए वीडियो लगा के, अपने माँ को, अपने बहन, दादी, नानी, सबको दिखाओ. थैंक यू. तो दोस्तों, आप लोग को मैं हमेशा वादा करता हूँ कि मुन्ना आपके लिए RDI Talks पे हमेशा रियलिटी लाते रहेगा और रियलिटी वाली बातें करते रहेगा. वीडियो आपको कैसा लगा है आप जरूर कमेंट में कीजिएगा. और आपके पास अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है, आपके गांव इलाके में कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जिसके पास बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड है वो, और आप चाहते हैं कि उसको भी निकाला जाए, उसको भी वहाँ से लेकर आया जाए और लोगों को दिखाया जाए कि यहाँ पे ऐसा बच्चा है, वो भी आगे बढ़ सकता है, कुछ कर सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए. और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.